जी नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जिसका था इंतजार वो खुशखबरी आ चुकी है, एसएससी जीडी का रिजल्ट आउट हो चुका है मेरे योद्धा। बिल्कुल सही सुना है ना, एसएससी जीडी वाले बच्चों के बार बार है ना नोटिफिकेशन आ रहे थे कब आएगा रिजल्ट, अब आएगा रिजल्ट। तो एसएससी जीडी ने अपना रिजल्ट बता दिया है कि क्या कट ऑफ रहा है मेरे योद्धाओं। तो बिल्कुल आप लोग समझ लीजिएगा एसएससी जीडी का कट ऑफ क्या रहा है। आप देखिएगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बता दिया गया मेरे प्यारे बच्चों है, जिसमें ए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बी आ जाएगा सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एनसीबी और एसएसएफ, सभी का कट ऑफ यहां पर जारी कर दिया गया मेरे प्यारे बच्चों है ना। यहां पर यह भी बताया कि एनसीसी वालों का क्या परसेंटेज क्या रहेगा, वो सारी चीजें भी यहां पर बताई गई है। तो बारी कट ऑफ की आती है कि क्या कट ऑफ रहा है। सबसे पहले हम लोग बात करें एनसीबी है ना, एनसीबी की बात करें मेरे दोस्तों, तो एनसीबी का जो कट ऑफ रहा ईडब्ल्यूएस का, ईडब्ल्यूएस का रहा 136.75 है ना, ईडब्ल्यूएस का रहा 136.5। एससी कैटेगरी की अगर बात करें तो कट ऑफ रहा 127.33। उसके बाद में एसटी कैटेगरी का कट ऑफ रहा है 123.04 है ना। उसके बाद ओबीसी की अगर बात करें हम लोग तो 137.64, ये ओबीसी। एनसीबी की बात कर रहे हैं हम लोग है ना, एनसीबी की बात कर रहे हैं। और जनरल का जो कट ऑफ रहा है 139.32। ये बात हुई मेल कैंडिडेट एनसीबी है ना, ऑल इंडिया वैकेंसी एनसीबी की बात हुई। अब इससे बात करें हम लोग एसएसएफ है ना, ये किसकी बात करें दोस्तों, एसएसएफ को कट ऑफ क्या रहा है। तो आप ध्यान से देखिएगा, एसएसएफ फीमेल कैंडिडेट में अगर देखें तो जो जनरल एसएसएफ में अगर देखा जाए, ईडब्ल्यूएस का रहा फीमेल कैंडिडेट का 128.41, एससी का रहा 115.25। इसके बाद में एसटी, सभी की कट ऑफ वाइज यहां पर नंबरिंग मेरे प्यारे योद्धाओं दे रखी है, ये एसएससी की साइट पर आप लोगों को मिल जाएगा। इसके बाद करें एसएसएफ मेल कैंडिडेट का क्या रहा, एसएसएफ मेल कैंडिडेट का क्या रहा, ईडब्ल्यूएस का लगभग रहा है मेल कैंडिडेट का 139.16 मेरे विद्यार्थियों है ना। इसके बाद में एससी कैटेगरी का रहा 129.75। एसटी की बात करें तो 126.45। और ओबीसी की अगर बात हम लोग करें तो 140.75 किसका रहा है, ओबीसी का रहा है मेरे विद्यार्थियों। और साथ साथ जनरल की बात करें तो 142.75 है ना, 142.03 आ जाएगा आपका 03, ये रहा है आपका जनरल का कट ऑफ रहा है मेरे दोस्तों, जनरल का कट ऑफ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं, और इस बार सबसे बड़ी बात देखने को मिली है कि पिछली बार रिजल्ट में 12 गुना फिजिकल, 12 गुना नंबर ऑफ पोस्ट के फिजिकल के लिए क्वालिफाई किए थे, इस बार आपको 8 गुना क्वालिफाई किए, लगभग आपके जो 50,000 पोस्ट है ना, 50,000 पोस्ट के लिए लगभग यहां पर 8 गुना लोगों को फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया गया है। मतलब मेरे विद्यार्थियों लगभग कितने लाख, 4 लाख है ना, कितने लाख लोगों को फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया गया है, 4 लाख लोगों को फिजिकल के लिए मेल एंड फीमेल कैंडिडेट को क्या किया गया, क्वालिफाई किया गया। दोस्तों देखो यहां पर टोटल ईडब्ल्यूएस एससी सभी लोगों को देखा जाए 324,000, ये हो गया हमारा 324,508। और दूसरी अगर बात करें यहां पर भी जो क्वालिफाई किया गया, ये 40,000 समथिंग ये क्वालिफाई किए है ना, किस कैंडिडेट को, फीमेल कैंडिडेट को, जिसमें एनसीबी और एसएसएफ दोनों है ना, एनसीबी और एसएसएफ दोनों है। और मेल कैंडिडेट की अगर बात करें मेरे दोस्तों तो मेल कैंडिडेट को 324,000, जिसमें एनसीबी और एसएसएफ दोनों हैं है ना। तो ये बिल्कुल कट ऑफ जारी कर दिया एसएससी की तरफ से। तो आप जिन जिन लोगों का आप रिजल्ट देखना चाहते हैं, उसमें एक और लिस्ट दी गई है जिसमें आपकी स्टेट वाइज कट ऑफ भी यहां पर दिया गया। अगर स्टेट वाइज कट ऑफ देखना चाहें आप लोग तो यहां पर स्टेट वाइज कट ऑफ भी आप लोग देख सकते हैं है ना। जैसे कि मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो ये पूरा मध्य प्रदेश का यहां पर इतना सारा दिया गया है कि क्या क्या कट ऑफ रहा है ना। तो सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी है ना, ओबीसी, सभी लोगों का कट ऑफ यहां पर दिया गया है, ये आप लिस्ट में जाकर मेरे योद्धाओं देख सकते हैं। और दूसरा
एक और लिस्ट जारी की है जिसमें 150 पेज की एक पीडीएफ है मेरे प्यारे योद्धाओं, है ना, 150 पेज की एक पीडीएफ है, उसमें आपका रोल नंबर और आपका नाम और रोल नंबर ये दिया है। जिन योद्धाओं का जो रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई हुआ है उनको फिजिकल के लिए ये रोल नंबर आपका उस लिस्ट में अगर आता है तो आप फिजिकल की तैयारी के लिए जुड़ जाइए मेरे योद्धाओं, है ना, फिजिकल की तैयारी में जुड़ जाइए। तो ये लगभग 4 लाख विद्यार्थियों को क्वालिफाई किया है जिससे मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों हैं, एनसीबी और एसएसएफ दोनों के लिए मेरे योद्धाओं, है ना। जिन जिन भी विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है उन सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां, और ऐसे विद्यार्थी जिनका नहीं हुआ है तो आप बिल्कुल तैयारी में जुटे रहिए, क्योंकि अभी हाल ही में लगभग नोटिफिकेशन आने वाले, एसएससी का भी आएगा, अभी सीआरपीएफ के भी जो कांस्टेबल है वैकेंसी उनकी भी आएगी, तो बिल्कुल आप तैयारी करते रहिए और जिन विद्यार्थियों का हुआ है फिजिकल की तैयारी में जुड़ जाइए मेरे योद्धाओं। आप भी आपका रोल नंबर चेक करें और आपका नाम चेक करें और फिजिकल की तैयारी में जुड़ जाइए। जय हिंद।